गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लासी ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, बहुत इजी टू क्रिएट रहता है एंड आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ इजीली वेयर कर सकते हो। पार्टी में, फंक्शन में, कहीं भी आप इसे वेयर करके जा सकते हो, यह हमेशा ट्रेंड में रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबिया बानू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और मेकअप को कैसे क्रिएट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और इंस्टाग्राम में भी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, तो मॉइस्चराइजर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पॉन्ड्स लाइट जेल का मॉइस्चराइज़र लिया है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइस, बहुत ही लाइट वेट है और ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। आप इसे अच्छे से मतलब लगा सकते हैं अपने फेस पे, बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं देगा, बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मॉइस्चराइज़र अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है गाइस। और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है प्राइमर की। तो मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा प्राइमर है, ये भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और मैं इसे अपने फिंगर पे अप्लाई कर रही हूँ। देखो, मैं इस तरह से फिंगर पे ले लूँगी और अपने फिंगर टिप की हेल्प से ही अपने टी जोन एरिया पर अप्लाई करूँगी। टी जोन एरिया मतलब जहाँ हमें ओपन पोर्स होते हैं, लाइक नोज़ के अराउंड और थोड़ी सी फोरहेड पे, चिन और क्यूपिड पे, यहाँ पर हमें ओपन पोर्स थोड़े बहुत होते हैं जहाँ से हमें पसीना निकलता है, तो वहाँ पर हमें अच्छे से अप्लाई कर लेना है ताकि हमारे जो ओपन पोर्स है वो अच्छे से फिल हो जाएँ और हमें जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम है वो ना हो। तो इस तरह से हम प्राइमर अप्लाई कर लेंगे जिससे हमें स्मूथ बेस मिले। तो मैंने अच्छे से अपने प्राइमर को अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी आई मेकअप से। तो यहाँ पर मैंने किस ब्यूटी की जेल लाइनर ली है, इससे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। यहाँ पर मैंने एंगुलर ब्रश लिया है और उसी से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। गाइस, मैं यहाँ पर अपने आईब्रोज़ के शेप को ही बना रही हूँ और जो खाली एरिया है उसे अच्छे से फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों आईब्रोज़ फिल कर लिए हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगी कंसीलर से। तो यहाँ पर मैंने लिया है NYB का कंसीलर और इसे मैं अपने आईब्रोज़ के अराउंड लगाऊँगी जिससे हमारी आईब्रोज़ हैं नीट एंड क्लीन दिखे और ऑलवेज शेप में लगे। और मैं इसे अपने लिड पे भी एज अ बेस अप्लाई करूँगी ताकि हम जो भी आई शेडो अप्लाई करें वो अच्छे से पॉप अप होकर नज़र आए। तो मैंने यहाँ पर डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसी से ही अच्छे से स्पंज करके अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको भी ब्यूटी ब्लेंडर सूखा कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, आप ऑलवेज़ ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में सोक करें देन उसे अप्लाई करें उससे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर लूँगी और उसी से ही अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर मेबलिन कलोसल काजल ले रही हूँ और इससे हमारा स्मोकी आई का जो बेस है वो बनेगा और इसे मैं अपनी जो लिड है, आई लिड है, उससे थोड़े से क्लोज होकर ही एज आई लाइनर टाइप का अप्लाई करूँगी। इसे अप्लाई करने के बाद उसे मैं अच्छे से स्मच कर दूँगी। यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है। अब मैंने यहाँ पर रोज़ गोल्ड पैलेट लिया है हुडा ब्यूटी का और ये वाला शेड लेकर पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन पर अच्छे से उसे अप्लाई करूँगी और साथ ही साथ उसे ब्लेंड भी करती जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है और इसे मैं ऑलवेज़ ब्लेंड कर रही हूँ। स्मोकी आई के लिए आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना होगा तभी आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। और इस वाले पैलेट से मैंने जो है ब्लैक कलर उसी ब्रश से लिया है और उसी अपने जो बेस है उसे वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। हमें अप्लाई भी करते जाना है और अपने क्लीज लाइन से ब्लेंड भी करते जाना है ताकि जो अच्छा ऐसा लुक है वो अच्छे से ब्लेंड होकर नज़र आए। और यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसे क्रीज लाइन और जो बेस था उसे अच्छे से अप्लाई किया है, ब्लेंड किया है। और मैंने सेकेंड आइज़ पे भी
आई मेकअप कर लिया है। अब मैं यहाँ फाउंडेशन लगा रही हूँ। यहाँ पास मैंने लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन लिया है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गाइस, बहुत ही अच्छा। आप अगर अंडर 300 में ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये, आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग इज़ द की गाइस, बहुत ही। अगर आप आई मेकअप को भी अच्छे से आपको ब्लेंड करना है एंड बेस को भी आपको अच्छे से ब्लेंड ही करना है, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। एंड गाइस, आपको अपना नेक एरिया कभी भी नहीं भूलना चाहिए, वहाँ भी आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए एंड फाउंडेशन भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपका फेस जो है और नेक अलग अलग ना लगे, वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो आपको अपने नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए और उससे अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए ताकि फेस और नेक अलग अलग ना लगे। एंड यहाँ पर मैं उसी कंसीलर को लेकर अपने अंडर आई एरिया पर और जहाँ मुझे पिगमेंटेशन होगी वहाँ पर मैं अप्लाई कर लूँगी, ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने कंसीलर जो है थोड़ा कम क्वांटिटी में अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे कोई नीड नहीं लग रही थी मुझे कंसीलर, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल उसने अभी नहीं है तो मैंने थोड़ा सा ही अप्लाई किया है। अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल है तो आप ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। एंड मैंने वो वही ब्लू हेवन का जो है लूज़ पाउडर लेकर पूरे फेस को सेट कर लिया है, पूरे बेस को सेट कर लिया है ताकि जो है क्रीज ना पड़े और जो स्वेट हमें आता है वो ना आए। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है अपने पूरे फेस को। बहुत ही अच्छा लूज़ पाउडर है गाइस, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मैं फॉल्सीस अप्लाई कर रही हूँ, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने फॉल्सीस अप्लाई कर लिए हैं एंड मैंने उसी काजल को अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई किया है और उसी ब्राउन शेड को लेकर काजल को अच्छे से स्मच कर लिया है पेंसिल ब्रश की हेल्प से। अब मैंने यहाँ पर मेबलिन की मस्कारा लिया है और यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का शिमर मैट ब्लश यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा ब्लश है और ये ब्लश मैं अपने चिक बोन्स पर लगा रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पर फैशन कलर का मल्टी हाइलाइटर यूज़ किया है और ये फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने चिक बोन्स एरिया पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। एंड जहाँ जहाँ हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं लाइक अपने चीक बोन एरियाज पर, अपने नोज़ एरिया पर, और हो गया ना, चलो नोज़ पे भी कर लो, हाँ नोज़ एरिया पर और अपने क्यूपिड्स पे, बो पे, चिन पे, अपने फोरहेड पे, अपने इनर कॉर्नर्स पे बहुत ही अच्छा लगता है हाईलाइट करने के बाद, अपनी आँखें बहुत ही अच्छी लगती है, आईब्रोज़ के नीचे, नोज़ अराउंड। और यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन रखे हैं लिपस्टिक के, एक है पिंकिश न्यूट, बहुत ही अच्छा लगता है ये कलर भी, ऑलवेज़ न्यूट कलर बहुत अच्छा लगता है ब्लैक स्मोकी आई के साथ। एंड एक है ब्राउन और थोड़ा सा कोरल टाइप का है, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ये बुलेट लिपस्टिक है और वो लिक्विड लिपस्टिक है, आप जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है एंड कंफर्टेबल लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने न्यूट शेड अप्लाई किया, देख सकते हो कितना प्रिटी लुक आया गाइस, बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है ये। इसे आप कहीं भी पार्टी में, फंक्शन में, कहीं भी आप इसे मतलब करके जा सकते हो। इस मेकअप लुक को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्लासी लगता है देखने में भी। आपको कोई मतलब करने की ज़रूरत नहीं है कट क्रीज ये वो ये, तो आप एक ब्लैक स्मोकी आई मेकअप कर लेते हो तो बस डन, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड मैंने यहाँ पर सेकेंड शेड अप्लाई किया है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रिटी लुक दे रहा है, बहुत अच्छा लुक है। मैंने इसको एक गोल्डन झुमके के साथ और हेयर स्टाइल सिंपल रखा है, मांग सिंपल सीधा मांग करके बालों को स्ट्रेट रखा है, तो ये बहुत ही अच्छा लुक है गाइस। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और ये लुक कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। सो बाय गाइस, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।